अंधेरे में छिपकर पट्टिकाएं तोड़ना और पट्टिकाएं गायब करना ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता नहीं है। ऐसा सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। कांग्रेस के द्वारा अटल रोहतांग टनल में सोनिया गांधी की पट्टिका को गायब करने की बात पर जवाब देते हुए केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। वहीं अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में डबल इंजन का विकास बंद आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में कांग्रेसी लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हमीरपुर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने पहले दिन के दौरे के दौरान जिला के नादौन में नागरिक अस्पताल में 50 बिस्तर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और इसके अलावा अस्पताल परिसर से ही अनुराग सिंह ठाकुर ऑनलाइन माध्यम से भद्रू के सामुदायिक भवन और बहराड़ के महिला मंडल का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल, एचआरटीसी निगम उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, डीसी देवश्वेता बनिक, एसपी कार्तिकेय गोकुल चंद्रन भी मौजूद रहे। हमीरपुर से गुजरने वाले मार्ग से फोरलेन प्रोजेक्ट को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में 300 करोड़ रुपए खर्च कर हमीरपुर से बिलासपुर हाईवे को तैयार किया गया है और उसी की तर्ज पर हाईवे बढ़िया तैयार होता है तो अच्छा हाईवे से पठानकोट से नूरपुर से शिमला बाया हमीरपुर लोगों को सुविधा मिले। ये काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, जिनको देखना है किस सड़क पर कितना ट्रैफिक है। और अगर आप देखेंगे इनका टोल कलेक्शन से ये खर्चा पूरा हो पाता है। आज देश में ये समस्या एक नई बनकर आई है और हिमाचल प्रदेश में भी है कि जमीनों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि लैंड एक्विजिशन में अगर वो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी नहीं बनती है तो उसमें कंपनियां आगे नहीं आती। इसलिए ज़्यादा अच्छा ये होगा कि सड़क बने, चौड़ी बने और पहले से ज़्यादा चौड़ी हो। जैसे मैंने हमीरपुर से लेकर बिलासपुर की सड़क बनवाई, लगभग 300 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया। अगर उस तर्ज पर भी ये हमारा हाईवे बनकर तैयार होता है तब भी हिमाचल प्रदेश के बहुत अच्छा होगा। हम उसी दिशा में लगे हैं ताकि इसकी चौड़ाई को थोड़ा और बढ़ाया जाए, फोर लेन ना भी हो लेकिन एक अच्छा हाईवे बनकर तैयार हो ताकि पठानकोट से लेकर यानी कि नूरपुर से लेकर शिमला तक वाया हमीरपुर इस सड़क का काम पूरा हो सके। वहीं ले लद्दाख भानुपल्ली रेल लाइन पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और यूपीए के सरकार के समय में इस काम को तवज्जो नहीं दी गई और अब मोदी सरकार के कार्यकाल में पहले 20 किलोमीटर का काम शुरू हो गया है और अगले 28 किलोमीटर बिलासपुर जिला में भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ले लद्दाख में पीछे हिल काउंसिल के चुनावों में पार्टी का चुनाव कैंपेन लॉन्च करने गया था, मैंने उस समय भी पता किया, वहां पर भी सर्वेक्षण दूसरे चरण का पूरा हो चुका है। और भानुपल्ली बिलासपुर ले रेलवे लाइन, इसकी बहुत सामरिक महत्व है, ये देश भी जानता है, देश की सरकार भी जानती है और यही कारण है कि जो यूपीए की सरकार के समय इसको तवज्जो नहीं दी गई, मोदी सरकार के समय पहले 20 किलोमीटर का काम भी शुरू हो गया, जमीन अधिग्रहण भी हो चुकी है, ठेका भी हो चुका है और अगले 28 किलोमीटर जो बिलासपुर के हैं उस पे भी अगली प्रक्रिया शुरू हो गई है। ड्रगबर्ग पार्क को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के बड़े राज्य इन पार्क को लेने के लिए लगे हुए हैं और जो राज्य इसमें अच्छी सुविधाएं देगा उसे चुना जाएगा और नालागढ़ की ऊना में बाकी सारी सुविधाएं पूरी थी और प्रदेश सरकार को लगा कि ऊना उचित है जिसके चलते वहीं पर पार्क बनेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलकर हिमाचल में ही ड्रगबर्ग पार्क बनाने के लिए मांग की गई। देखिए देश के बहुत सारे राज्य बल्क ड्रग पार्क लेने के लिए अपना आवेदन कर रहे हैं, एक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है और इस कंपटीशन में जो राज्य अच्छी सुविधाएं देगा वो इसमें चुना जाएगा। इसमें पॉइंट्स की मार्किंग है तो नालागढ़ ऊना में इतना अंतर था कि ऊना की साइट को डेवलप करने में खर्चा कम आता और ऊना में भी लैंड के अलावा बाकी भी सारी सुविधाएं पूरी होती थी और हिमाचल की सरकार को लगा कि ऊना उचित है तो ऊना को भेजा गया है। और मैं केंद्रीय मंत्री जो हमारे फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल्स के, इनके साथ भी हम लोग मिले हैं और फार्मास्यूटिकल्स के जो मंत्री हैं हमारे सदानंद गौड़ा जी, फार्मास्यूटिकल के और हमारे केमिकल फर्टिलाइजर के, इनसे मैंने मिलकर मुलाकात की और उनको कहा है कि हिमाचल प्रदेश में
देश की लगभग 40% जेनरिक ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर हैं, और हो सके तो रॉ मटेरियल बनाने का ये जो बल्क ड्रग पार्क है ये हिमाचल में बनेगा, तो इससे हिमाचल में रोजगार भी मिलेगा और बाकी इंडस्ट्री को भी रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा। अटल रोहतांग टनल में कांग्रेस के द्वारा सोनिया गांधी की पट्टिका को साजिश के तहत न लगाने पर अनुराग ठाकुर ने अंधेरे में छिपकर पट्टिकाएं तोड़ना ये काम कांग्रेस पार्टी का हो सकता है लेकिन बीजेपी का नहीं। उन्होंने माना कि 2010 में सोनिया गांधी हिमाचल आई थी और उस समय सोनिया गांधी को पूरा मान सम्मान बीजेपी सरकार के समय में दिया गया था और बीजेपी की संस्कृति में पट्टिका तोड़ना नहीं है और पट्टिका जहां पर लगनी है वहां पर अवश्य लगाई जाएगी। देखिए, अंधेरे में छिपकर पट्टिकाएं तोड़ना, पट्टिकाएं गायब करना, ये किसी और राजनीतिक दल की मानसिकता हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। ये सच्चाई है कि अटल सुरंग माननीय मोदी जी और प्रेम कुमार धूमल जी, इन्होंने मांग की थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2000 में इसकी घोषणा की, 2002 में शिलान्यास किया जो पूरा रास्ता टनल के लिए बनना था, 2010 में सोनिया जी आई और उस समय भाजपा की सरकार यहाँ पर थी, हमने बड़ा कार्यक्रम किया, धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उनका पूरा मान सम्मान किया। अगर हमने उस समय हजारों लोगों का कार्यक्रम करके मान सम्मान किया था तो हमारी संस्कृति में पट्टिकाएं तोड़ना नहीं है। पट्टिका जो है वो सबको पता है, सुरक्षित है, वहीं पर है और जहां पर उचित स्थानों को वहां पर लगाई भी जाएगी। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार पर कांग्रेस के बयानों पर अनुराग ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों ने आंखों को बंद करके रखा हुआ है और उन्हें विकास दिखाना मुश्किल है। उन्होंने प्रदेश में विकास कामों को गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में अनगिनत विकास हुआ है लेकिन कांग्रेस के लोग लॉकडाउन में अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए उन्हें विकास नहीं दिख रहा है। किसी ने आंखें बंद कर रखी हो तो उसको दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज, ऊना में PGI अस्पताल, बिलासपुर में एम्स अस्पताल, देहरा और धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIIT मंडी में, ESI अस्पताल सुंदरनगर नेरचौक में, और इसके अलावा कई मेडिकल कॉलेज और IIM सिरमौर, ये बनाकर किसने दिए? ये हम ही लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के लोग लॉकडाउन में घरों से नहीं निकले, निकलें, देखें, ये विकास भारतीय जनता पार्टी की देन है।